इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। टूटे फूटे मकान, मकान में भूसा और पशुओं का चारा। इसे देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये किसी तबेले की तस्वीर है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो फिर आप गलत हैं। दरअसल ये तस्वीरें बिहार के स्वास्थ्य केंद्र की है, उसी स्वास्थ्य केंद्र की जिसके दम पर बिहार सरकार ग्रामीण इलाकों में कोरोना महामारी से निपटने के दावे कर रही है। हैरान करने वाली बात यह भी है कि स्वास्थ्य केंद्र का यह नजारा बिहार के सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा की है। पिछले साल जब कोरोना आया तो सरकार ने दावा किया कि व्यवस्था को सुधार लिया गया है। अब तस्वीरें गवाही दे रही है कि सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है। ऐसी हालात जब नीतीश के अपने जिले की है तो फिर बिहार के बाकी हिस्सों के हालात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। ये तस्वीरें बदहाली की नहीं बल्कि नीतीश के पिछले 16 साल के कुशासन की मिसाल है। बिहार शरीफ मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर कोरई पंचायत स्थित महानंदपुर का स्वास्थ्य उपकेंद्र को देखकर आप समझ जाइए कि बिहार के ग्रामीण इलाकों में लोगों की सेहत नीतीश सरकार किस तरीके से सुधार रही है। कहीं स्वास्थ्य केंद्र पशुओं का चारागाह बन गया है तो कहीं भवन किसी भी वक्त गिरने के इंतजार में झुकी खड़ी है। खिड़की दरवाजे और पंखा बत्ती की तो आप बात ही मत कीजिए। जब मूलभूत सुविधाएं नहीं है तो फिर इलाज से जुड़ी चीजें और दवाइयां का तो आप सोचिए भी मत। डॉक्टर और नर्स को तो लोगों ने यहाँ तक कई साल से नहीं देखा है। बंद पड़े इस स्वास्थ्य केंद्र को अब फिर से खोलने की मांग हो रही है। दरअसल इस बार कोरोना की तीसरी लहर ने गांव में भी दस्तक दे दी है। शहर की तबाही के बाद अब आशंका गांव में महामारी से होने वाली बर्बादी के लगाए जा रहे हैं। सरकार भी दावा कर रही है कि उसका ध्यान अब गाँव की तरफ है, लेकिन सवाल ये है कि अगर तैयारी ऐसी है तो फिर अंजाम क्या होगा। इस गांव की आबादी करीब 5,000 की है। इतनी बड़ी आबादी के बीच लोगों की सेहत को ठीक रहने वाला स्वास्थ्य केंद्र अब खुद बीमार पड़ गया है। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि अगर कोरोना की जद में आ गए तो फिर वे कहां जाएंगे। हालात को सुधारने के लिए डीएम से लेकर सीएम तक लोगों ने कई बार फरियाद की, लेकिन किसी भी गुहार का कोई असर नहीं पड़ा। अब जब कोरोना का खतरा गांव की तरफ रुक कर चुका है तो फिर ऐसे में यहां के बाशिंदे हर वक्त मौत के खौफ के बीच जीने को मजबूर है। 1970 के दशक से स्वास्थ्य उप केंद्र यहाँ पर चल रहा है। अच्छा। लेकिन यहाँ जर्जर बिल्डिंग और जर्जर यहाँ जो आते हैं डॉक्टर है, जो भी सदर अस्पताल से, उनको समय सही से नहीं देने के कारण यहाँ का आबादी करीब करीब 5,000 की आबादी है और बहुत लापरवाही है यहाँ। अच्छा। देख रहे हैं आप बिल्डिंग का हालत और रहन सहन का हालत यहाँ का। अच्छा। मतलब कोई सुनवाई नहीं होता है यहाँ पर, कोई टीका उका नहीं दिया जा रहा है। टीकाकरण हुआ है। अच्छा। लेकिन आंगनवाड़ी केंद्र में होता है, यहाँ जगह है नहीं तो होता है, आते हैं और समय से पहले लोग चले जाते हैं। टीकाकरण, हम भी टीकाकरण कराने के लिए ही आ जाए हैं, लेकिन देखें तो सब बंद है। तो